हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं सर्वेइंग का सब्जेक्ट। अब इंटरेस्टिंग ये है कि हम सर्वेइंग के अंदर पढ़ने वाले हैं चेन सर्वेइंग के बारे में। आपने सुना होगा चेन के बारे में, चेन करता क्या है? तो अगर आप थोड़ा सोचें तो जो चेन है उसका हम यूज करते हैं किस लिए? उसका यूज करते हैं हम मेजरमेंट के लिए। तो हमें क्या जानना है आज कि चेन सर्वेइंग क्या है और उसके प्रिंसिपल क्या हैं, कि वो किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है। तो आज हमें यही जानना है कि चेन सर्वेइंग है क्या। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं चेन सर्वेइंग के बारे में। इट इज द मेथड ऑफ सर्वेइंग, यानी कि चेन सर्वेइंग मेथड है सर्वेइंग का। और इसमें होता क्या है? इन विच द एरिया इज डिवाइडेड इनटू नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। अब आपने ये वर्ड सुना, नेटवर्क ऑफ ट्रायंगल। इस लाइन के अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड यही है कि आप जब सर्वेइंग करते हैं तो जो आपका एरिया है उसको आप डिवाइड कर देते हैं किस रूप में? ट्रायंगल के रूप में। तो वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है चेन सर्वेइंग, ठीक है। उसके बाद एंड द साइड ऑफ वेरियस ट्रायंगल। अब आपने जब एरिया को डिवाइड करा ट्रायंगल में तो आपको पता है ट्रायंगल की साइड होती है, ठीक है। एंड आर मेजर्ड डायरेक्टली इन द फील्ड विद चेन और टेप। जब आपने पूरे एरिया को ट्रायंगल में डिवाइड कर लिया तो उसकी साइड मिली आपको और उन साइडों को आपने मेजर करा। बट मेजर करने के लिए हमारे पास इंस्ट्रूमेंट होने चाहिए, तो वो इंस्ट्रूमेंट क्या होंगे हमारे पास? चेन या फिर टेप। तो जब हम चेन या टेप का प्रयोग करते हैं ट्रायंगल को मेजर करने के लिए तो वो क्या कहलाता है हमारा? पूर्ण रूप से चेन सर्वेइंग। अब उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो हमारी टेप है, जो हमारी चेन है, वो मेजर क्या करती है? सिर्फ लीनियर मेजरमेंट। बट एक सवाल ये भी आता है कि सर क्या ये एंगुलर मेजरमेंट मेजर करती है? तो इसका आंसर है नो, एंगुलर मेजरमेंट आर टेकन। यानी कि चेन सर्वेइंग के अंदर सिर्फ हम लीनियर मेजरमेंट ही मेजर करते हैं, ना कि एंगुलर मेजरमेंट। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं। इट इज सिंपलेस्ट काइंड ऑफ सर्वेइंग एंड इज मोस्ट सुटेबल व्हेन द एरिया टू बी सर्वेड इज स्मॉल इन एक्सटेंट एंड फेयरली लेवल एंड ओपन विद सिंपल डिटेल्स। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि जो चेन सर्वेइंग है एक सिंपलेस्ट मेथड है, एक बहुत ही सरल मेथड है और मोस्ट सुटेबल भी है। व्हेन द एरिया इज सर्वे इज स्मॉल इन एक्सटेंट, और चेन सर्वेइंग से हम स्मॉल एरिया मेजर करते हैं, हम लार्ज एरिया मेजर नहीं कर सकते। एंड फेयरली लेवल, और इसमें चेन सर्वेइंग करते वक्त जो है हमें लेवल का भी ध्यान देना पड़ता है। फेयरली लेवल होगा हमारा तो हमारी जो चेन सर्वेइंग है बहुत काफी अच्छी होगी एंड हमें बहुत ही इजीली जो डिटेल्स है वो मिल जाएगी। अब हम आगे बात करते हैं चेन सर्वेइंग की अनसुटेबिलिटी के बारे में। इट इज अनसुटेबल फॉर लार्ज एरिया, यानी कि सर्वेइंग जो है सुटेबल है स्मॉल एरिया के लिए और अनसुटेबल है लार्ज एरिया के लिए। ये जो पॉइंट है कि सर्वेइंग सुटेबल है स्मॉल एरिया के लिए और सर्वेइंग चेन सर्वेइंग अनसुटेबल है लार्ज एरिया के लिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये बात याद रखनी है क्योंकि ये एसएससी जेई में पूछी जा सकती है। एंड आर क्राउडेड विद मैनी डिटेल्स एंड आर ओवर डिफिकल्ट इन सच केस।
यानी कि जब हम लार्ज एरिया में चेन सर्वेइंग करते हैं तो हमें डिफिकल्टीज आती है, तो वहां पे जो चेन सर्वेइंग करना है थोड़ा कठिन हो जाता है, तो द फॉर्मेशन ऑफ ट्राइंगल बिकम डिफिकल्ट। और वहां पर जब हम ट्राइंगल की फॉर्मेशन बनाते हैं एरिया या लीनियर मेजरमेंट निकालने के लिए, एरिया नहीं लीनियर मेजरमेंट निकालने के लिए, तो हमें डिफिकल्टीज होती है। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग की सर्वेइंग के, चेन सर्वेइंग के प्रिंसिपल क्या है? फर्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग इज टू डिवाइडेड द एरिया टू बी सर्वेड इनटू नेटवर्क एज ए ट्राइंगल। यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का, वो है कि आप ना एरिया को डिवाइड करो, एरिया को क्या करना है आपको डिवाइड करना है टू बी सर्वे करने के लिए। जब आप अपने एरिया को डिवाइड करते हैं ट्रायंगल में, किसमें डिवाइड करना है आपको ट्रायंगल में, और ट्रायंगल में डिवाइड करने के बाद जब आप सर्वे करते हो तो इज द ओनली सिंपल फिगर दैट कैन बी प्लॉटेड फ्रॉम द लेंथ ऑफ इट साइड्स मेजर इन द फील्ड। और आप इजिली उस ट्राइंगल की जो साइड है उनको मेजर कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है ट्रायंगुलेशन फॉर्म्स। अब इस ट्रायंगुलेशन फॉर्म का मतलब जानना है। ट्रायंगुलेशन फॉर्म द प्रिंसिपल ऑफ चेन सर्वेइंग, जो ट्रायंगुलेशन फॉर्म है वो प्रिंसिपल है चेन सर्वेइंग का। द चेन सर्वे इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड एज ए चेन ट्रायंगुलेशन। यानी कि जब हम चेन सर्वेइंग करते हैं किसी भी एरिया पे ट्रायंगल बनाकर, यानी किसी एरिया को डिवाइड करते हैं ट्रायंगल में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, चेन ट्रायंगुलेशन बोलते हैं। तो हमारे ये जो दो प्रिंसिपल थे ये थे चेन सर्वेइंग के। अब हम हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पे बात करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है क्या, वो है ऑपरेशन ऑफ चेन सर्वेइंग। अब आपको ये जानना है कि जो चेन सर्वेइंग है इसके ऑपरेशन क्या है, चेन सर्वेइंग करने में हमें किन की मदद लेने पड़ती है। तो हम अगर बात करें हमारे जो ऑपरेशन है, जो चेन सर्वेइंग के अंदर ऑपरेशन हो रहे हैं, वो है हमारे रेंजिंग, यानी कि चेन सर्वेइंग में हम रेंजिंग करते हैं, सेकेंड चेनिंग एंड थर्ड ऑफसेटिंग। तो ये तीनों के तीनों टर्मों के बारे में हमें जानना है, और तीनों क्या है, तीनों ऑपरेशन है चेन सर्वेइंग के। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं रेंजिंग के लिए। तो अब रेंजिंग की डेफिनेशन क्या है, द ऑपरेशन ऑफ स्टेबलाइजिंग इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड्स इन लाइन विद द एंड रेंजिंग रोड ऑफ फ्लाइंग इज कॉल्ड रेंजिंग अ लाइन। यानी कि रेंजिंग लाइन क्या है, एक ऑपरेशन है जैसा कि आप जानते हैं, और ये स्टेबलाइज करता है, क्या स्टेबलाइज करता है, ये स्टेबलाइज करता है इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड जो है इन द लाइन। यानी कि हमारी एक लाइन है, और आपको पता है रेंजिंग रोड होती किस तरीके से है, वर्टिकली होती है, और ये किस पे है, एक लाइन पर है। तो ये इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड इन द लाइन, यानी कि ये मान लीजिए क्या हो गई, इंटरमीडिएट रेंजिंग रोड हो गई लाइन पे, एंड विद द एंड रेंजिंग रोड, और किसके अलोंग है, एंड रेंजिंग रोड के अलोंग है लाइन पर, तो हम इसे क्या कहेंगे, रेंजिंग अ लाइन। अब नेक्स्ट पढ़ें, रेंजिंग इज अ जनरली डन बाय जजमेंट ऑफ आईज ऑन द बाय अ लाइन रेंजर। जो रेंजिंग है वो जनरली जजमेंट हम कर सकते हैं किसके द्वारा, आई के द्वारा और लाइन रेंजर के द्वारा, बट इन इंपॉर्टेंट सर्वे वर्क अ थर्डोलाइट इज परफेक्टली यूज। बट जब हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है बहुत ज्यादा, तो हम किसका यूज करते हैं, थर्डोलाइट का यूज करते हैं। अब आइए आगे देखते हैं, द रेंजिंग रोड फिक्स एट एंड ऑफ लाइन मे और मे नॉट बी इंटरविजुअल। यानी कि आपकी जो लाइन है उस पर जो आपकी रेंजिंग रोड है और आपने जो फिक्स कर दी है
वो आपको दिख भी सकती है और नहीं भी, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन दे आर इंटरविजुअल द रेंजिंग कैन बी डन डायरेक्टली, जब आपकी जो रेंजिंग है वो इंटरविजुअल है तो आप डायरेक्टली करते हैं, बट व्हेन दे आर नॉट इंटरविजुअल, जब वो इंटरविजुअल नहीं होती है तो तब आप रेंजिंग किसके द्वारा करते हैं, इनडायरेक्ट मेथड के द्वारा, यानी कि आपकी जो एंड रोड है वो आपको अगर दिखती है तो आप डायरेक्टली रेंजिंग कर सकते हैं, बट अगर वो इंटरविजुअल नहीं है यानी कि वो आपको दिख नहीं रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको किसकी आवश्यकता है, इनडायरेक्ट मेथड की। अब हम यहां पे ये देखते हैं कि जो रेंजिंग है वो टू टाइप्स की होती है, फर्स्ट डायरेक्ट रेंजिंग और सेकंड इनडायरेक्ट रेंजिंग, जैसा कि हम इस पॉइंट से जान चुके हैं। अब थोड़ी सी और जानते हैं कि जो डायरेक्ट रेंजिंग है और इनडायरेक्ट रेंजिंग है उसके बारे में। तो जो डायरेक्ट रेंजिंग है, डायरेक्ट रेंजिंग कैन बी डन बाय एनी ऑफ टू मेथड, जो डायरेक्ट रेंजिंग है वो दो मेथड के द्वारा होती है, फर्स्ट बाय जजमेंट ऑफ आई, यानी कि आंखों के द्वारा हम जब देखते हैं तो हम जजमेंट करते हैं कि जो हमारी रेंजिंग रोड है वो लाइन में है या नहीं। सेकंड, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसका नाम होता है लाइन रेंजर। तो ये दो हमारे इंस्ट्रूमेंट कहे हम, आई को इंस्ट्रूमेंट कह सकते हैं और एक लाइन रेंजर, ये दो हमारे मेथड भी कह सकते हैं ना, कि ये दो हमारे मेथड है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हैं। अब जो हमारा बाय जजमेंट ऑफ आई डायरेक्ट मेथड था उसको जानते हैं, क्योंकि हमने डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड दो सीखे जो कि रेंजिंग करते हैं, जिनसे रेंजिंग हो सकती है। तो जो हमारा डायरेक्ट मेथड था उसके अंदर उसको हमने टू पार्ट्स में डिवाइड करा, यानी कि हम डायरेक्ट मेथड को बाय जजमेंट ऑफ आई यानी कि आंखों के द्वारा जज कर सकते हैं या फिर लाइन रेंजर के द्वारा। तो हमें ये पढ़ना है कि जो हम जजमेंट कर रहे हैं आई के द्वारा उसमें कुछ पॉइंट्स हैं इंपॉर्टेंट, वो देखते हैं। इन दिस मेथड सर्वेयर स्टैंड अबाउट 2 meters बिहाइंड द रेंजिंग रोड एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लाइन, यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लाइन है वहां से 2 meters की दूरी पर हमारी क्या होती है, वो हमारी होती है रेंजिंग रोड। यानी कि सिंपल सी बात है कि रेंजिंग रोड और हमारा जो स्टैंड है सर्वेयर जो खड़ा हुआ है उन दोनों के बीच में कितनी दूरी है, 2 meters की दूरी है। नेक्स्ट हमारा है कि द एरर ड्यू टू नॉन वर्टिकली ऑफ रोड, जो रेंजिंग है हमारी जजमेंट ऑफ आई उसके अंदर एरर आने के कब चांसेस हैं, जब नॉन वर्टिकली रोड हो यानी कि हमारी जो रोड हो वो सीधी ना हो। और इसमें हम ये भी जानते हैं कि जब एक सर्वेयर सर्वे करता है रेंजिंग रोड की मदद से तो वो कुछ आपको, जैसे कि हमारा जो रोड पकड़े हुआ है उसको इंस्ट्रक्शंस देता है हैंड की मूवमेंट से, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि जो हमारा सर्वेयर है वो अपने हैंड को मूव कर उसको इंस्ट्रक्शंस देता है कि इस तरीके से लेफ्ट होना है, इस तरीके से राइट होना है। तो हमारी जो जजमेंट ऑफ आई है उसमें बस यही इम्पोर्टेंट है कि जो हम जजमेंट कर रहे हैं वो अपनी आई से करेंगे और जितनी भी रोड हमारी लाइन में लगी हुई है वो सभी एक अलाइनमेंट में होनी चाहिए और हमारी जो रोड है वो वर्टिकली होनी चाहिए, अगर वो वर्टिकली नहीं होगी तो एरर आ सकता है। उसके बाद आगे बात करें लाइन रेंजर, ये हमारा इंस्ट्रूमेंट है लाइन रेंजर, इससे क्या होता है, इससे हम रेंजिंग निकालते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू क्वेश्चन करें जेई के तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि लाइन रेंजर करता क्या है, तो लाइन रेंजर का काम क्या है, रेंजिंग करने का। तो अ लाइन रेंजर इज स्मॉल रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर रेंजिंग लॉन्ग लाइंस व्हेन इट इज डिफिकल्ट टू गो टू आदर एंड ऑफ द लाइन। तो आपको लाइन रेंजर के अंदर ये जानना है कि जो लाइन रेंजर है एक स्मॉल रिफ्लेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट है,
अब देखो रिफ्लेक्टिंग वर्ड जुड़ा है तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर प्रिज्म है, क्योंकि प्रिज्म से क्या होगा, जो रिफ्लेक्ट होगी उसकी क्या, जो हमारी वो है रीडिंग, वो रिफ्लेक्ट होगी। तो इसके अंदर हमें ये जानना है कि रीडिंग नहीं, जो हम देखें, हमारा इंस्ट्रूमेंट है तो जो हम देख रहे हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो हमें दिखेगा, ठीक है। तो हमें ये जानना है कि जो हमारा लाइन रेंजर है वो टू राइट एंगल आइसोसेल से बना है, यानी कि उसके अंदर दो प्रिज्म है, ठीक है, दो प्रिज्म है जो कि एक दूसरे के ऊपर प्लेस है। उनसे क्या होता है कि उनसे हमें देखने में मदद मिलती है, किसको, रेंजिंग रोड्स को। तो इस तरीके से हम लाइन रेंजिंग कर सकते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट रेंजिंग, एक क्वेश्चन जे के अंदर ये आता है, इनडायरेक्ट रेंजिंग क्या है, तो इनडायरेक्ट रेंजिंग को हम रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं, और जिस रेंजिंग को हम इनडायरेक्ट मेथड से कर रहे हैं वो इनडायरेक्ट रेंजिंग है, और रेसिप्रोकल रेंजिंग जो है वो वैली में भी हो सकती है और डिप्रेशन में भी हो सकती है। तो ये जो दो पॉइंट है आपको याद रखने हैं, और ये जेई के अंदर पूछा जाता है कि इनडायरेक्ट रेंजिंग को आप क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग भी कहते हैं, और रेसिप्रोकल रेंजिंग जो है वो कहां पे हो सकती है, डिप्रेशन में भी हो सकती है और वैली में भी, यानी डिप्रेशन और वैली क्या है, सेम है। अब हम जो हमारा सेकेंड ऑपरेशन है चेनिंग, उसके बारे में जानते हैं। सेकेंड ऑपरेशन क्या कहता है, द ऑपरेशन ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ चेन और टेप इज कॉल्ड चेनिंग, यानी कि चेनिंग ऑपरेशन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है टेप की या चेन की, और इनकी मदद से जब हम डिस्टेंस मेजर करते हैं यानी दूरी मेजर करते हैं तो उसे हम कहते हैं चेनिंग। जहां तक है आपके समझ में आ गया होगा चेनिंग का मतलब। अब आगे देखते हैं, इट इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड ऑफ ऑल द मेथड ऑफ मेजरिंग डिस्टेंस एंड इज कॉमनली यूज्ड, यानी कि जो चेनिंग है ये मोस्ट एक्यूरेट मेथड है, और सेकंड कि इसका कॉमनली यूज होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ऑर्डिनरी अ चेन इज यूज्ड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस बट वेयर अ ग्रेट एक्यूरेसी इज रिक्वायर्ड स्टील टेप इज इनवेरिएबल यूज्ड। ऑर्डिनरी जो हमारी चेन होती है हम उसका प्रयोग करते हैं मेजर करने के लिए डिस्टेंस, बट जहां पर हमें ज्यादा एक्यूरेसी की जरूरत होती है तो हम क्या करते हैं, जो चेन है उसकी जगह हम स्टील टेप को यूज करते हैं। तो इस तरीके से हम इजिली एक्यूरेसी से डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि चेनिंग तो हम करेंगे, बट चेनिंग करते वक्त किस इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे उनके बारे में जानते हैं, जैसे कि चेन, एरो, टेप्स, रेंजिंग रोड, ऑफसेट रोड और पैस प्लम्बो। इन इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करेंगे चेनिंग करते वक्त। तो आइए अब हम जानते हैं सबसे पहले चेन के बारे में कि चेन है क्या आखिरकार, इसको थोड़ा डीपली पढ़ते हैं समझने के लिए। तो इट कंपोज्ड ऑफ अ फिक्स नंबर ऑफ पीस ऑफ गैल्वेनाइज्ड माइल्ड स्टील वायर 4 mm इन डायमीटर नॉन एज लिंक। तो जो आपकी चेन है वो किससे बनी है, वो आपकी बनी है लिंक से, यानी कि लिंक हमने जोड़े और जोड़ते जोड़ते हमने किसका आविष्कार करा, चेन का आविष्कार करा। तो जो चेन है, चेन के अंदर इंपॉर्टेंट टर्म है लिंक। अब लिंक को हमने किस तरह डिफाइन करा है कि लिंक जो है वो गैल्वेनाइज माइल स्टील वायर का बना होता है, और इसका जो डायमीटर है वो कितना होता है, 4 mm होता है, और ये फिक्स होता है चेन के अंदर और नंबर ऑफ पीसेस में, यानी कि कई नंबर्स ऑफ लिंक जुड़े होते हैं एक चेन के अंदर। नेक्स्ट है हमारा, द एंड ऑफ ईच लिंक
आर बेंट इनटू अ लूप एंड कनेक्टेड टुगेदर बाय मींस ऑफ थ्री ओवल और सर्कुलर रिंग विच प्रोवाइडेड फ्लेक्सिबिलिटी टू द चेन। अब यहाँ पे हमने बात तो समझ ली कि लिंक जो चेन में जुड़े होते हैं, बट जो फ्लेक्सिबिलिटी चेन को प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं कि द एंड ऑफ ईच लिंक, जो हमारा लिंक है प्रत्येक लिंक के एंड में आर बेंट, वो बेंट होता है इनटू अ लूप, किस में, किस शेप में, लूप की शेप में, एंड कनेक्टेड टूगेदर बाय मीन थ्री ओवल और सर्कुलर रिंग, और वो किससे कनेक्टेड होता है, तीन सर्कुलर रिंग से, यानी कि इस तरीके से तीन सर्कुलर रिंग से कनेक्ट होता है, फिर हमारा ये क्या होता है, ये लिंक होता है। उसके बाद ये प्रोवाइड किस लिए करा जाता है, जो हमारा सर्कुलर रिंग है वो प्रोवाइड करी जाती है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेन, यानी कि जो हमारी चेन है उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके। नेक्स्ट, बोथ एंड ऑफ चेन आर प्रोवाइड विथ ब्रास हैंडल, यानी कि चेन की जो दोनों एंड है, दोनों एंड जो है चेन के, वो किससे बने होते हैं, वो ब्रास के बने होते हैं, इसे हम कहते हैं ब्रास हैंडल इन सीवल जॉइंट, और वो जो लिंक है, लिंक से किस जॉइंट में जुड़े होते हैं, सीवल जॉइंट में जुड़े होते हैं, सो दैट चेन कैन बी टर्न राउंड विदाउट ट्विस्टिंग, तो हम चेन को टर्न कर सकते हैं बिना ट्विस्ट करे, किसकी मदद से, ब्रास हैंडल की मदद से। अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है चेन लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ वन हैंडल टू आउटसाइड ऑफ अदर, यानी कि जो हमारी चेन लेंथ है हम किसको कहेंगे चेन लेंथ, तो जो हमारी चेन लेंथ है हम उसको कहेंगे जो हमारा वन एंड होगा और अदर एंड होगा उसके बीच की जो डिस्टेंस होगी, यानी कि वन एंड का हैंडल और अनदर एंड का हैंडल, उन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम क्या कहेंगे, चेन लेंथ कहेंगे। In which number of links, brass tacks or tallies are provided as a various distinctive points of the chain. अब हमारी चैन के अंदर आपने अभी तक ध्यान दिया कि लिंक्स प्रोवाइड करे जा रहे हैं, उसके साथ साथ ब्रास भी प्रोवाइड करते हैं हम, टैक्स भी, यानी ब्रास टैक्स एक ही चीज है, और टैलीज, टैलीज भी प्रोवाइड करते हैं, कहां पे, हम चैन लेंथ में, ठीक है। नेक्स्ट, देयर आर टू मेन काइंड्स ऑफ सर्वेइंग चेन, हमारे पास दो तरह की चेन होती है, पहली मैट्रिक सर्वेइंग चेन और सेकेंड नॉन मैट्रिक सर्वेइंग चेन। तो आइए अब जानते हैं कि मैट्रिक सर्वेइंग चेन क्या है और नॉन मैट्रिक सर्वेइंग चेन क्या है। अगर हम पढ़े मैट्रिक सर्वेइंग चेन के बारे में, तो मैट्रिक सर्वेइंग चेन क्या है, द मैट्रिक सर्वेइंग चेन इज 20 और 30 मीटर इन लेंथ, यानी कि जो हमारी मैट्रिक सर्वेइंग चेन होती है उसकी लेंथ 20 मीटर या फिर 30 मीटर हो सकती है। ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 5 लिंक्स, ईच बीइंग 20 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो हमारी मैट्रिक चेन है उसके अंदर प्रत्येक मीटर पर 5 लिंक लगे होते हैं, और प्रत्येक लिंक की जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर होती है, यानी कि 20 सेंटीमीटर इंटू 5 करता हूं तो मैं क्या आ जाता है, 100 सेंटीमीटर, यानी कि 1 मीटर में कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर, यानी कि आ गया कि ईच मीटर लेंथ पर कितने लिंक होंगे, 5 लिंक। उसके बाद टैलीज आर प्रोवाइडेड एट एवरी 5 मीटर, और प्रत्येक 5 मीटर पर, मान लीजिए ये 5 मीटर डिस्टेंस है, तो यहां पर क्या प्रोवाइड करेंगे, हम टैली प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद आगे बात करते हैं स्टील बैंड के बारे में, कि स्टील बैंड क्या है, तो इट इज आल्सो कॉल्ड बैंड चेन, इसको हम बैंड चेन कहते हैं, इट इज यूज्ड फॉर एक्यूरेट सर्वे वर्क, और इसका हम यूज किस लिए करते हैं, एक्यूरेट सर्वे वर्क के लिए, इट इज 20 और 30 मीटर लॉन्ग एंड इज मेड फ्रॉम रिबन ऑफ स्टील 16 mm वाइड, यानी कि इसकी जो लेंथ है, इस स्टील बैंड की जो लेंथ है वो 20 मीटर भी हो सकती है, 30 मीटर भी हो सकती है, और साथ ही साथ हमें यह भी जानना है कि
जो ये रिबन है इसके अंदर रिबन ऑफ स्टील यानी कि जो रिबन यूज हो रखा है स्टील का उसकी जो विड्थ है वो 16 mm होगी। उसके बाद आगे बात करें तो द ग्रेजुएशन आर मार्क आइदर बाय टीचिंग यानी कि ग्रेजुएशन आर मार्क जो हमारी ग्रेजुएशन है उसको हम मार्क करेंगे बाय इचिंग विद एसिड या फिर ब्रास रिवेट के द्वारा। ये पॉइंट हमें याद रखना है। अब हम कंपैरिजन के बारे में जानते हैं। किसके बीच कंपैरिजन? कंपैरिजन बिटवीन चेन कंपोज्ड ऑफ लिंक एंड बैंड चेन यानी कि हम चेन और बैंड चेन के बारे में कंपैरिजन करते हैं। एक वो चेन जिसके अंदर लिंक जुड़े हुए हैं और एक हमारी बैंड चेन हो गई। तो आइए इनके बीच में जो कंपैरिजन है उसके बारे में हम जानते हैं। तो पहला जो कंपैरिजन है वो कहता है इट कैन बी विदस्टैंड रफ ट्रीटमेंट। और अगर हम बैंड चेन के बारे में बात करें तो इफ केयरलेसली यूज इट गेट ब्रोकन यानी कि अगर हम स्टील बैंड को यूज करते हैं केयरलेस होकर यानी कि हम अच्छी तरीके से प्रयोग नहीं करते हैं स्टील बैंड को तो वो क्या हो जाएगी? ब्रोक हो जाएगी और टूट सकती है। और इट कैन विदस्टैंड रफ ट्रीटमेंट और जो हमारी चैन है इसको हम रफ ट्रीटमेंट पे भी रफ सरफेस पे भी कर सकते हैं जो हमारी चैन है यानी कि रफ ट्रीटमेंट भी हो सकता है हमारी चैन के थ्रू। अब आगे बात करें सेकेंड पॉइंट है इट कैन बी ईजली रिपेयर्ड विद अ हैमर इन द फील्ड जो हमारी चैन है जिसमें लिंक जुड़े हुए हैं उसको हम मेंटेन कर सकते हैं इजिली किसकी मदद से? हैमर की मदद से यानी कि अगर हमारी फील्ड में हमारी चैन रिपेयरिंग मांग रही है तो हम हैमर का प्रयोग करके उसे सही कर सकते हैं। अगर हम बात करें स्टील बैंड के अंदर तो इट कैन बी रिपेयर्ड ओनली बी रिवेटिंग और सोल्डरिंग विच इज डिफिकल्ट प्रोसेस। अगर हम बात करें स्टील बैंड की मेंटेनेंस या रिपेयरिंग की तो वो सिर्फ किसकी वजह से किससे हो सकती है? रिवेटिंग के थ्रू हो सकती है या फिर सोल्डरिंग के थ्रू। तो सोल्डरिंग और रिवेटिंग हमें कर सकते हैं हम परंतु हम फील्ड में नहीं कर पाएंगे इन्हें हमें वर्कशॉप के अंदर ही करना होगा। अगला इट कैन बी ईजली रीड जो हमारी चैन है जिसके साथ लिंक है हम उसको इजिली रीड कर सकते हैं बट जो हमारी बैंड चैन है इट कैन नॉट बी इजिली रीड उसे हम आसानी से नहीं पढ़ सकते हैं। इट इज हैवियर एंड सैग कंसीडरेबली व्हेन सस्पेंडेड जो हमारी चैन है जिसमें लिंक जुड़े हुए हैं वो हैवियर है एंड सैग कंसीडरेबली यानी कि वो सैग पोजिशन ले लेगी वाज सस्पेंडेड हो जाएगी। अगर हम बात करें बैंड चैन की तो वो लाइटर होती है हल्की होती है और वो सैग भी कंसीडर नहीं करती है एन एक्सटेंड टू विच चैन सैग्स। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट देखें इट इज इजिली लिएबल टू इंक्रीज और डिक्रीज इन लेंथ ड्यू टू कंटिन्यूस यूज एंड बैंडिंग ऑफ लिंक रिस्पेक्टिवली यानी कि जो हमारी चैन है जिसके अंदर लिंक है वो इंक्रीज भी हो जाएगी उसकी लेंथ और डिक्रीज भी हो जाएगी किसकी वजह से? कंटिन्यूस हम उसका प्रयोग करते रहें और उसके अंदर क्या होगा जो लिंक होंगे वो बैंड हो जाएंगे तो इस वजह से जो उसकी है लेंथ वो इंक्रीज और डिक्रीज हो सकती है। उसके बाद अगर हम इसमें पढ़े बैंड चेन में तो इट मेंटेन्स लेंथ वेरी मच बेटर देन द चेन यानी कि इसकी जो लेंथ है वो मच बेटर होती है किसके मुकाबले? लिंक चेन से। अगला पॉइंट पढ़े इट इज हैवियर एंड टेक मोर टाइम टू स्प्रेड जो चैन होती है काफी भारी होती है और इसको हम फैलाते हैं बड़ी मतलब इसे फैलाने में हमें ज्यादा समय लग जाता है। अगर हम बात करें बैंड चैन की तो ये सेम लेंथ की होती है और ये क्या होती है हल्की होती है और इसको हम आसानी से ओपन कर सकते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि हमारा जो कंपैरिजन है चेन के अंदर यानी चैन लिंक के अंदर और बैंड चैन के अंदर क्या है। अब हम बात करते हैं नॉन मैट्रिक सर्वेइंग चेन के बारे में कि नॉन मैट्रिक सर्वेइंग चेन है क्या। तो दीज आर यूज्ड इन कंट्रीज वेयर फुट इज यूनिट ऑफ द लेंथ यानी कि नॉन मैट्रिक चेन वहां यूज करी जाती है जिस कंट्री की यूनिट क्या होती है
फुट में होती है, जिस कंट्री की यूनिट फुट में होती है वहां पर हम क्या यूज करते हैं, नॉन मैट्रिक चैन। दीज आर, अब हम नाम पढ़ते हैं कि नॉन मैट्रिक चैन कौन सी है। गुंटूर चैन नॉन मैट्रिक चैन है और इंजीनियर चैन भी नॉन मैट्रिक चैन है। अब हम पढ़ते हैं कि गुंटूर चैन क्या है। तो गुंटूर चैन जो है इट इज नेम्ड आफ्टर द इन्वेंटर, यानी कि जो गुंटूर चैन है इसका नाम कब पड़ा, इन्वेंट करने के बाद, यानी कि इन्वेंटर यानी जिसने इसको इन्वेंट करा चैन को, उसी के नाम के आधार पे इस चैन का नाम पड़ा गुंटूर चैन। उसके बाद इट इज 66 फीट लॉन्ग। अब ये जो गुंटूर चैन है ये कितनी लंबी होती है, ये याद रखना है आपको 66 फीट। ये एसएससी के जेई एग्जाम में आता है, इस एंड इज डिवाइडेड इनटू 100 लिंक्स, यानी कि ये डिवाइड तो होता है 100 लिंक्स में, बट इसकी जो लेंथ है वो 66 फीट होती है। उसके बाद आगे चलें तो इट इज सुटेबल फॉर मेजरमेंट डिस्टेंस इन माइल एंड फर्लोंग्स, यानी कि जो ये गुंटूर चैन है ये माइल और फर्लोंग्स दोनों के अंदर क्या करती है, मेजरमेंट करती है डिस्टेंस। उसके बाद हमें यह याद रखना है कि टैन चैन इज इक्वल टू होता है 1 फर्लोंग्स। अब उसके बाद इन इंग्लैंड द वर्ड चैन इज अंडरस्टूड टू मीन अ गुंटूर चैन, यानी कि इंग्लैंड के अंदर इस चैन का प्रयोग करा जाता है। अब बात करते हैं इंजीनियरिंग चैन की, तो आल्सो कॉल्ड 100 फीट चैन, यानी कि जो इंजीनियरिंग चैन है उसे 100 फीट चैन भी कहते हैं, ये भी एसएससी जे एग्जाम के अंदर आता है पॉइंट। एंड इट इज 100 फीट लॉन्ग एंड इज डिवाइडेड इनटू 100 लिंक्स, यानी कि 100 फीट लॉन्ग तो होती है ये, साथ में साथ 100 लिंक्स भी इसके अंदर होते हैं। तो ये हमारे पॉइंट थे नॉन मैट्रिक सर्विंग चैन के। अब हम बात करते हैं एरो की, तो एरो क्या है। दीज आर आल्सो कॉल्ड मार्किंग एंड चेनिंग पिंस, यानी कि इसको हम क्या कहते हैं, मार्किंग भी कहते हैं एरो को और हम चेनिंग पिंस भी कहते हैं एरो को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वन चैन आर 10 एरो, यानी कि एक चैन के पास कितने एरो होते हैं, 10 एरो होते हैं। दे आर अबाउट 40 सेंटीमीटर लॉन्ग, और ये कितने लंबे होते हैं, 40 सेंटीमीटर लंबे। दिस इज मेड बाय गुड क्वालिटी ऑफ स्टील वायर 4 mm इन डायमीटर, और जो एरो हैं ये गुड क्वालिटी ऑफ स्टील के बने होते हैं और उसका डायमीटर कितना होता है एरो का, 4 mm। अब आगे बात करें टिप्स के बारे में, तो टिप्स जो है हमारी चार तरह की हैं, लीलन और क्लोथ टेप, यानी लीलन और क्लोथ टेप दोनों एक ही हैं, बस नाम अलग अलग है। मेटेलिक टेप, स्टील टेप और इनवार टेप। तो आइए हम पढ़ते हैं लीलन और क्लोथ टेप के बारे में। तो इट इज मेड आउट ऑफ लीलन क्लॉथ विद ब्रास हैंडल एट द जीरो एंड हूज लेंथ इज इंक्लूड इन द टेप लेंथ, यानी कि लीलन और क्लॉथ टेप जो है वो किससे बनी है, वो बनी है लीलन क्लॉथ से और उसके साथ क्या जुड़ा होता है, ब्रास हैंडल जुड़ा होता है, ठीक है। और एट द जीरो एंड हूज लेंथ इज इंक्लूड इन द टेप लेंथ, और इसमें जो लेंथ है हैंडल की वो भी इंक्लूड करी जाती है। उसके बाद इट इज वेरी लाइट, ये बहुत हल्का होता है एंड हैंडी, और बहुत इजीली हम हैंडल कर सकते हैं, बट कैन नॉट बी स्टैंड मच वियर और टियर, परंतु इसको हम ज्यादा सुरक्षित नहीं बचा सकते। उसके बाद नेक्स्ट है इट इज इजीली अफेक्टेड बाय डैम्पनेस ऑफ वेट, यानी कि जो हमारी लीलन टेप है वो कपड़े की बनी हुई है तो वो अफेक्टेड हो सकती है डैम्पनेस से, इफ वेट, अगर वो गीली हो जाती है तो, या फिर वो श्रिंक हो सकती है। उसके बाद इट स्ट्रेच वेरी इजीली, और जो हमारी लीलन है टेप वो बहुत ही आसानी से स्ट्रेच हो सकती है, एंड आल्सो शॉर्टन बाय सैगिंग इन वाइंडी वेदर, और जो हमारा वाइंडी वेदर होगा ठीक है उसमें सैग भी हो सकती है, और ये हमें एक्यूरेट वर्क नहीं देती है। तो ये हमारी लीलन और क्लॉथ टेप के बारे में जानकारी थी। अब हम पढ़ते हैं मेटेलिक टेप के बारे में, मेटेलिक टेप है क्या। तो द लीलन टेप इज रीइंफोर्स्ड विद ब्रास और कॉपर वायर्स टू
prevent stretching or twisting of fibers is called metallic tape. देखो हमने मेटेलिक टेप का जो आविष्कार करा वो इसलिए करा ताकि जो इससे पिछले वाली टेप थी वो स्ट्रेच हो रही थी, उसे स्ट्रेस से बचाने के लिए हमने क्या करा, रीइंफोर्स प्रोवाइड करी। और जो रीइंफोर्स प्रोवाइड करी वो किस मेटल के रूप में, कॉपर और ब्रास के रूप में हमने क्या करी, प्रोवाइड करी रीइंफोर्स। तो उससे क्या होगा, जो हमारी मेटेलिक टेप है वो स्ट्रेच नहीं होगी, और इसी को हम क्या कहते हैं, मेटेलिक टेप कहते हैं। आगे द टेप लेंथ इज 20 एंड 30 मीटर, जो मेटेलिक टेप है उसकी लेंथ 20 मीटर भी मिलेगी आपको और 30 मीटर भी मिलेगी। आगे अगर हम बात करें, ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, यानी कि प्रत्येक मीटर जो है 10 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड ईच पार्ट ऑफ फर्दर डिवाइडेड इनटू 10 पार्ट्स, और प्रत्येक यानी कि जो हमारा एक मीटर है वो 10 पार्ट में डिवाइडेड है, और उसका जो एक पार्ट है वो भी 10 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आगे बात करते हैं, इट इज कॉमनली यूज्ड फॉर टेकिंग ऑफसेट इन चेन सर्वेइंग, यानी कि इस टेप का हम यूज किस लिए करते हैं, ऑफसेट मेजर करने के लिए, लेने के लिए। इट कैन नॉट बी यूज्ड फॉर वेरी एक्यूरेट एंड इंपॉर्टेंट मेजरमेंट, इसका हम यूज नहीं करते हैं जहां पे हमें एक्यूरेसी चाहिए होती है और जहां हमें इंपॉर्टेंट मेजरमेंट चाहिए होती है, वहां पे हम इसका यूज नहीं करते हैं। उसके बाद बात करते हैं स्टील टेप की, कि स्टील टेप क्या है। तो इट इज मेड ऑफ स्टील रिबन, ये किससे बनी होती है, स्टील रिबन से बनी होती है, एंड वेयरिंग इन विच वराइंग इन विच फ्रॉम 6 mm टू 16 mm वाइड, यानी कि इस स्टील टेप की जो विड्थ है वो 6 mm से लेके 16 mm के बीच में हो सकती है, एंड अवेलेबल इन लेंथ ऑफ, ये हमें 1 meter लेंथ में मिल सकती है, 2 meter लेंथ में, 10 meter में, 30 में और 50, इन लेंथ में हमें ये स्टील टेप मिल सकती है। अगर आगे बात करें तो ईच मीटर लेंथ इज डिवाइडेड इनटू 200 पार्ट्स, यानी कि प्रत्येक मीटर जो है कितने पार्ट्स में डिवाइड है, 200 यानी 200 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड ईच बीम 5 mm लॉन्ग, और प्रत्येक पार्ट जो है 5 mm लॉन्ग है। बट द फर्स्ट 10 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ टेप इज ग्रेजुएटेड अप टू मिलीमीटर्स, यानी कि जो पहले 10 सेंटीमीटर है वो किस में डिवाइडेड है, मिलीमीटर में डिवाइडेड है। तो इट इज चीफली यूज्ड फॉर टेस्टिंग चेन लेंथ, जो स्टील टेप है इसका हम यूजली मेजर कहां पे करते हैं, टेस्ट करने के लिए, किस चीज को टेस्ट करने के लिए, चेन की लेंथ को, एंड मेजरमेंट ऑफ इंपोर्टेंट बिल्डिंग, और मेजरमेंट करते हैं, इससे हम इंपोर्टेंट बिल्डिंग है जो उनकी मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद इट इज वेरी डेलिकेटेड एंड इजली ब्रेकेबल, यानी कि ये बहुत डेलिकेटेड एवं ब्रेकेबल है, यानी कि सॉफ्ट है। नेक्स्ट हमारी जो टेप है वो है इनवायर टेप। अब आइए इनवायर टेप के बारे में पढ़ते हैं। इट इज मेड ऑफ अलॉय, यानी कि जो हमारी इनवायर टेप है वो बनी किससे, अलॉय से। अलॉय क्या होता है, दो या दो से अधिक आपके मेटल या नॉन मेटल मिले हों। तो जो इनवायर टेप है उसके अंदर 64% स्टील होती है और 36% निकल होती है, इन दोनों को मिलाकर इनवायर टेप बनाई जाती है, और उसका नाम क्या पड़ा, विच इज नोन एज इनवायर स्टील, और उसको हम जानते हैं इनवायर स्टील के नाम से। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, इट इज कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरी लो, इसका जो कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन है यानी कि ये एक्सपेंड बहुत कम होगी, और इसका कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन क्या है, 1 degree सेल्सियस के लिए 0.9 × 10^-6। अब देखो आपने ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, क्यों, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन के अंदर ज्यादातर पूछा जाता है। उसके बाद आपको उसका कॉफिशियंट ऑफ एक्सपेंशन भी पता होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करें तो इट इज 6 mm वाइड, ये कितना चौड़ा होता है, 6 mm चौड़ा होता है, एंड इज यूजली अवेलेबल इन लेंथ 30 मीटर, और जो हमारा इनवायर टेप है वो हमें 30 मीटर में मिलेगा, 50 मीटर में मिलेगा, और 9 cm में मिल सकता है। ठीक है, तो ये हमारा रहा इनवायर टेप के बारे में। और आगे इसके पॉइंट पढ़े तो इट इज वेरी मच कॉस्टली, जो इनवायर टेप है वो कॉस्टली है एंड एक्सट्रीमली डेलिकेट। उसके बाद इट इज यूज फॉर मेजरमेंट, इट इज यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ हाइट,
precision such as measurement of base, line in triangulation work or city work. जो इन्वॉल्व टेप है इसका हम प्रयोग करते हैं हाइट मेजरमेंट करने के लिए, प्रिसीशन वर्क मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि ट्रायंगुलेशन वर्क हुए, सिटी वर्क हुए, और इट शुड नॉट यूज फॉर ऑर्डिनरी वर्क, ये ऑर्डिनरी वर्क में यूज नहीं होती है। उसके बाद आगे पढ़ते हैं रेंजिंग रोड के बारे में। रेंजिंग रोड क्या है? रेंजिंग रोड आर मेड ऑफ लाइट थिन एंड स्ट्रेट बंबू और वेल सीजन वुड सच एज टी, पाइन, डियोडॉर्स एक्सेट्रा। यानी कि रेंजिंग जो है एक हल्की और एक पतली स्ट्रेट बंबू की तरह दिखने वाली रोड है जो कि बेल सीजन है। बेल सीजन यानी कि उसके अंदर नमी बिल्कुल नहीं है और बिल्कुल स्ट्रेट है। पहला पॉइंट स्ट्रेट होना चाहिए हमारी जो रेंजिंग रोड है। दूसरी बेल सीजन यानी कि उसके अंदर नमी बिल्कुल, मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमारे जो रेंजिंग रोड है वो थिन और लाइट होनी चाहिए, हल्की होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए। और अब आपने यहाँ पे देखा कि जो बंबू है स्ट्रेट बंबू वो कौन कौन से ट्री से मिलना चाहिए? टी से, पाइन से, डियोडार से। इन ट्री के जो बंबू है यानी कि हम कहें जो लकड़ी है यूज कर सकते हैं रेंजिंग रोड बनाने के लिए। आगे, दे आर शॉर्ट विथ आयरन एट द बॉटम एंड, यानी कि जो आपकी रेंजिंग रोड है उसके बॉटम में जो है वो पार्ट किसका बना होगा? आयरन का बना होगा। एंड प्रेफरेबली सरमाउंटेड विद अ फ्लैग, और उसके टॉप में एक फ्लैग लगा होगा। एंड अबाउट 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, और वो उसका जो फ्लैग है उसका साइज क्या होगा? 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इन साइज। यानी कि उसकी साइड कितने की होगी? 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर और 25 सेंटीमीटर। एंड वो कलर का किस तरह का होगा? रेड कलर का होगा या फिर व्हाइट का भी हो सकता है और येलो का भी हो सकता है। उसके बाद जो डायमीटर है रेंजिंग रोड का वो 3 सेंटीमीटर के आसपास होगा, और जो लेंथ है रेंजिंग रोड की वो 2 मीटर और 3 मीटर के आसपास होगी। यानी कि 2 मीटर की हमारी रेंजिंग रोड होगी और 3 मीटर लॉन्ग होगी रेंजिंग रोड। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है पेंटेड अल्टरनेटली अगर रेड एंड व्हाइट या फिर ब्लैक एंड व्हाइट इन लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमारी जो रेंजिंग रोड है अगर आप उस पर देखेंगे तो आपको रेड एंड व्हाइट कलर की पट्टियां दिखाई देंगी या फिर ब्लैक एंड व्हाइट कलर की पट्टियां दिखाई देंगी, और उस पट्टी की जो लेंथ होगी वो होगी कितनी? 20 सेंटीमीटर होगी। उसके बाद आगे देखें, दीज आर यूज्ड मार्किंग द पोजीशन ऑफ स्टेशन एज वेल एज फॉर रेंजिंग अ स्ट्रेट लाइन। यानी कि जो रेंजिंग रोड है उसका हम काम करते हैं, वो काम करता है पोजीशन को मार्क करने के लिए, और इसी को हम क्या बोलते हैं? रेंजिंग बोलते हैं। और स्ट्रेट लाइन में अगर ये रेंजिंग रोड मार्क करती रहती है जगहों को तो क्या कहलाती है? वो रेंजिंग स्ट्रेट लाइन। उसके बाद आगे, इफ लेंथ ऑफ रेंजिंग रोड 4 मीटर टू 6 मीटर, अगर हमारे पास कोई रेंजिंग रोड है और उसकी हाइट या उसकी लेंथ 4 मीटर से 6 मीटर के बीच में है तो हम उसे क्या कहेंगे? हम उसे कहेंगे रेंजिंग पोल, यूज इन केस ऑफ वेरी लॉन्ग लाइंस। और इनका प्रयोग कब कराया जाता है? जब लाइन जो है काफी लंबी हो। अब उसके बाद ऑफसेट रोड के बारे में पढ़ते हैं। द ऑफसेट रोड इज सिमिलर टू द रेंजिंग रोड, यानी कि जो ऑफसेट रोड है वो सिमिलर किसके होती है? रेंजिंग रोड के सिमिलर होती है, ठीक है। एंड विद एक्सेप्शंस विद द इंस्टेड ऑफ फ्लैग, बट इसमें क्या नहीं होता? फ्लैग नहीं होता, ओके, ऑफसेट रोड में। उसके बाद इट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग स्मॉल ऑफसेट व्हेन वर्क इज ऑर्डिनरी नेचर, जब हमारा वर्क ऑर्डिनरी नेचर में हो तो इसमें स्मॉल ऑफसेट के लिए इसे प्रयोग करा जाता है। उसके बाद पैक्स, दीज आर रोड्स मेड फ्रॉम हार्ड टिम्बर एंड टैपर्ड वन हैंड, यानी कि जो पैग होते हैं ये हार्ड टिम्बर के बने होते हैं और एक एंड से टेपर्ड होते हैं, हम कह सकते हैं इस तरीके से टेपर्ड। नेक्स्ट है, द लेंथ वेरी फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 16 सेंटीमीटर एंड द क्रॉस सेक्शन फ्रॉम 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर स्क्वायर।
यानी कि जो हमारा पैग होता है उसकी जो लंबाई है वो 15 सेंटीमीटर से लेके 60 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कितना होगा, 3 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि वो स्क्वायर की फॉर्म में होगा। यानी कि जो साइड होगी, मान लीजिए ये साइड जो होगी या तो वो 3 हो सकती है या 5 हो सकती है, उसके बीच में हो सकती है 3 और 5 के। उसके बाद दीज आर ड्राइवन इनटू द ग्राउंड टू मार्क द इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, और इसका प्रयोग इसलिए करा जाता है कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट स्टेशन है उसको मार्क किया जा सके कि वो कहाँ पर है, और जिस जगह हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन रखना होता है वहां पर हम इसे ड्राइवन कर देते हैं, यानी कि गाड़ देते हैं पैक को, और जब हमें इंस्ट्रूमेंट स्टेशन को सेट करना होता है तो उसी जगह हम सेट कर लेते हैं। तो ये हमारा रहा किसके बारे में, ऑपरेशन ऑफ चेन सर्वेइंग के बारे में। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में दे सकते हैं, और आप हमारी डेली एक्टिविटी के लिए हमारा फेसबुक ग्रुप है और पेज है उसको ज्वाइन कर सकते हैं।